अच्छा कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। WCL वेकोली बल्लारपुर क्षेत्रीय मुख्यालय के योजना अधिकारी गुज्जला पुलैया द्वारा अपमानित कर मानसिक त्रस्त की पीड़ा से तंग आकर प्रकल्प ग्रस्त महिला आशा तुलसीराम घाटे बीकॉम शिवाजी विद्यालय राजुरा छात्रा ने तंग आकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ऐसे पीड़ित करने वाले योजना अधिकारी गुज्जला पुलैया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और उन्हें बर्खास्त करने की मांग वेकोली के वरिष्ठ अधिकारी और गृह मंत्री अनिल देशमुख से की। मृतक आशा तुलसीराम घाटे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे सांसद बाड़ूभाव धनोरकर ने आवाज दी। कंपनी स्तर पर किसानों की भूमि अधिग्रहण कर वेकोली कंपनी स्तर पर आश्रित को नौकरी देने के लिए कंपनी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में योजना अधिकारी को सत्यापन कर जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसा कि बल्लारपुर क्षेत्र में अधिकारी पुलल्या को जिम्मेदारी दी गई, कहा जाता है कि स्थानिक परियोजना पीड़ितों के सवालों को सही तरीके से सुनने समझने के लिए मराठी भाषिक अधिकारियों को इस स्थान पर बिठाया जाए ताकि भूमि अधिग्रहण के प्रकल्प ग्रस्तों को समझने में और समझाने में सरल उपाय हो। चंद्रपुर जिले में बड़ी संख्या में कोयला खदाने भरपूर हैं। यहाँ के मूल किसान समुदाय की परियोजना ने बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को खो दिया है, लेकिन यहाँ न्याय मांगने के लिए वेकोली अधिकारी के पास जाने के बाद परप्रांत वेकोली अधिकारी परियोजना पीड़ितों की समस्याओं को नहीं समझते हैं। इन परियोजना पीड़ितों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, जैसा कि अब तक कहीं परियोजना पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ये परियोजना पीड़ितों की कई पीढ़ियां भूमिहीन हो गई हैं, कई पीढ़ियां खुले में पड़ी हैं, इसलिए सांसद बड़ूभाऊ धानोरकर ने कहा कि चंद्रपुर जिले की सभी कोयला खदानों में वेकोली अधिकारी के रूप में देसी मराठी भाषी अधिकारी को इस स्थान पर बिठाने की मांग की गई है। साखरी गांव के दिवंगत आशु तुलसीराम घाटे के पिता की जमीन को वेकोली के माध्यम से, जो कि एक लाभार्थी है, वेकोली के योजना अधिकारी पुलल्या ने क्षेत्रीय मुख्यालय के कार्यालय में बुलाया गया था। इस समय पुलल्या ने आशा घाटे के साथ अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया और परिणाम स्वरूप उसने साखरी गांव में अपने खुद के घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सांसद बाड़ूभाऊ धनोरकर ने कहा कि मृतक आशा घाटे मामले की व्यापक जांच हो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कहा गया।